भागवत कथा में मैंने राम कथा तो नहीं सुनाई, लेकिन बीच बीच में राम जी की चर्चा करते चलेंगे तो राम कथा का भी आनंद अनुभव होता चलेगा। रामावतार में ये लीला एक बार भई। एक दिन मैया कौशल्या ने अपने लाला को स्नान कराया, स्नान करा करके पालना में लिटा दिया। कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, श्रृंगार करके पालना में पौढ़ा दिया और स्वयं जाकर के स्नान किया। स्नान करके भगवान के लिए नैवेद्य बनाया और नैवेद्य बना करके रंगनाथ भगवान की पूजा की और भोग समर्पण किया। भोग समर्पण करके कौशल्या जी ने जब ध्यान किया कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हे प्रभो इस नैवेद्य का भोग लगाओ। रंगनाथ भगवान के सामने नैवेद्य रख करके मैया यशो कौशल्या ने जब ध्यान किया, भोग लगाया, तो देखती क्या है कि भगवान श्री राम लला थाली के पास बैठ करके भोग का लड्डू पा रहे हैं। मैया कौशल्या ने सोचा, अरे ये तो मेरा छोरा है, इसको तो मैंने पालना में लिटाया था, ये यहां कैसे आ गया। तो दौड़ती हुई मैया गई देखने के लिए पालना में, तो देखती हैं पालना में भी भगवान लेटे हुए। मैया ने सोचा, मेरा लाला जब पालना में लेटा है तो ये मंदिर में जो बालक आ गया ये कौन है। फिर दौड़ी हुई आई तो देखती मंदिर में भी भगवान राम लला। अब तो कौशल्या जी व्याकुल हो गई। पति ब्रह्म मोर ज्ञान विषेखा, पति ब्रह्म मोर ज्ञान विषेखा, यहां वहां दुई बालक देखा। यहां भी बालक, वहां भी, पालने में भी और मंदिर में भी। यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। कौशल्या जी ने सोचा कि ये मेरी मति का भ्रम है कि बालक ही दो हैं। मैया कौशल्या को कुछ समझ में नहीं आया। उसी समय भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया मां कौशल्या को। दिखरावा मात ही अति अद्भुत रूप अखंड, अपनी मां को अपने अद्भुत अखंड रूप का दर्शन कराया भगवान श्री राम ने। दिखरावा मात ही अति अद्भुत रूप अखंड, कैसा रूप, बोले रोम रोम प्रतिलागही कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगे। अनंत अनंत ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में दिखने लगे। मैया कौशल्या भगवान के इस विराट रूप को देख करके हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। मैया कौशल्या ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की। कौशल्या ने कहा, हे प्रभो आपकी माया कभी मुझे व्याप्त न हो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा और फिर भगवान बालक बन गए। तो ये विराट दर्शन लीला श्री रामावतार में एक बार भई और कृष्णावतार में दो बार हुई। दो बार भगवान ने अपनी मैया यशोदा को विराट रूप का दर्शन कराया है। इसके बाद कथा आती है कि अब ठाकुर जी का नामकरण संस्कार होगा। एक वर्ष के हो गए कन्हैया, अभी इनका नामकरण नहीं हुआ। विधान तो ये है कि जन्म के 12वें दिन बच्चे का नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। द्वादशे हनि नाम कुरियात, आचार्यों ने नामकरण संस्कार के विधान में कहा है कि 12वें दिन बच्चे का नामकरण होना चाहिए। और अयोध्या में हमारे ठाकुर श्री रामलला का नामकरण भी 12वें दिन ही हुआ। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत। 11 दिन बीत गया, 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं और वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। तो रामावतार में तो 12वें दिन नामकरण हो गया,
लेकिन कृष्णावतार में 12 महीने बीत गए महाराज, 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए, अभी तक नामकरण नहीं हो पाया। क्यों नामकरण नहीं हुआ? क्योंकि नामकरण संस्कार तो गुरु जी को करना है। अब आज के जैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि माँ बाप स्वयं अपने बेटे का नाम रख लेते। नामकरण तो गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा होता है। गुरु जी आएंगे तब नामकरण संस्कार करेंगे। और गुरु जी कौन है? बोले वसुदेव जी महाराज के कुल गुरु श्री गर्ग महर्षि, गर्गाचार्य जी महाराज। और गर्गाचार्य जी जब आएंगे तो बच्चों का नामकरण होगा। और अगर तुरंत भेज देते वसुदेव जी गर्ग जी को कि जाओ और जाकर के मेरे बेटों का आप नामकरण कर दो, तो कंस को संदेह हो जाता कि गर्ग जी वसुदेव जी के पुरोहित हैं और ये गोकुल नंद बाबा के घर क्यों गए, कौन सी पूजा कराने गए, क्या कारण हो सकता। कंस को संदेह हो जाता, इसलिए वसुदेव जी महाराज ने नामकरण संस्कार को टाल दिया था। और धीरे धीरे 1 वर्ष पूर्ण हो गया। अब वसुदेव जी ने सोचा कि बालकों का नामकरण हो जाना चाहिए। गर्ग जी को बुला करके वसुदेव जी ने कहा, हे मुनिवर, आप गोकुल चले जाओ, नंद बाबा के घर में मेरे 2 बालक हैं, रोहिणी नंदन और देवकी नंदन। देवकी नंदन जो हैं उनको नंद बाबा अपना बेटा समझते हैं, तो ये रहस्य आप रहस्य ही बना रहने देना, किसी को पता न चले। और रोहिणी नंदन का नामकरण संस्कार करने के बहाने देवकी नंदन का भी नामकरण कर देना। नंद बाबा से कह देना कि नंद बाबा, वसुदेव जी के इस पुत्र का नामकरण करने आए हैं, तो आपके छोरे का भी नामकरण कर देते, तो नंद बाबा मना नहीं करेंगे, दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हो जाएगा और ये रहस्य रहस्य बना रहेगा। गर्ग जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। श्री गर्ग जी महाराज आए। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाह ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होकर श्री गर्ग जी महाराज नंद ब्रज में आए हैं। तम दृष्ट्वा परम प्रीत प्रत्युत्थाय कृतांजलि। गर्ग महर्षि को आया जानकर नंद बाबा ने उठ करके उनका स्वागत किया, अभिवादन किया, पूजन किया। गर्ग जी महाराज ने सारा वृत्तांत बताया। नंद बाबा ने कहा ठीक है, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके द्वारा मेरे बालक का नामकरण होगा। अब तो नंद बाबा बड़ी तैयारी करने लगे, सबको निमंत्रण देना है, बुलाना है, ये करना है। गर्ग जी ने कहा कुछ नहीं, बहुत संक्षेप में नामकरण करना है, कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, किसी को बुलाना नहीं, चुपचाप गाय की गौशाला में चलकर एकांत में दोनों बच्चों का मैं नामकरण कर देता हूं। नंद बाबा ने कहा मेरे छोरे का नामकरण होगा और इतने छोटे ढंग से? ऐसा नहीं, हम तो उत्सव मनाएंगे। गर्ग जी ने कहा नहीं नहीं, अगर आप उत्सव मनाओगे तो उत्पात हो जाएगा। क्या उत्पात होगा? बोले मैं वसुदेव जी का पुरोहित हूं और मैं आया हूं नामकरण करने के लिए, ये बात लोगों को पता चलेगी तो कंस को संदेह हो जाएगा और कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है, इसलिए शांति पूर्वक नामकरण संस्कार हो जाए, यही उचित होगा। नंद बाबा ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। फिर गाय की गौशाला में संक्षेप में पूजन की व्यवस्था भई और गर्ग जी महाराज ने पूजन किया और पूजन विधान करने के बाद बालक का नामकरण किया। चकार नामकरणम गूढ़ो रहसि बालयो हो। चकार नामकरणम गूढ़ो, अत्यंत गोपनीय ढंग से बालक का नामकरण संस्कार हो रहा है। गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे नंद बाबा, ये जो बड़ा वाला बालक है, रोहिणी का पुत्र, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि। ये अपने गुणों के द्वारा अपने सुहृद जनों को, अपने परिजनों को आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा।
आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुहु। लोग इसे राम कहेंगे और ये अत्यंत बलिशाली होगा, इसलिए इसका नाम बल भी होगा। और कुछ लोग बल और राम दोनों को मिला करके बलराम कहेंगे। नाम तो राम ही रखा, बलराम जी का नाम है राम, वो बड़े बलिशाली हैं इसलिए बलराम। नाम तो राम है। और राम शब्द का अर्थ क्या है? गर्ग जी कहते हैं कि रमयन सुहृदो गुणई ही, जो अपने गुणों के द्वारा सबको आनंद प्रदान करेंगे उनका नाम राम होगा। राम का मतलब ही है आनंद प्रदान करने वाला। राम राम करो तो आनंद मिले। एक महात्मा बड़े विलक्षण, महात्मा ने कहा महाराज इतने देर तक जो सत्संग करते हैं हम तो 10 सेकंड में सत्संग कर लेते। बोले आपका सत्संग क्या है? बोले सारे सत्संग का फल यही ना है कि आनंद की प्राप्ति हो और भगवान का भजन हो। बोले हाँ। बोले तो सारे सत्संग का सार यही है कि आनंद की तलब है, आराम की तलब है, तो एक काम कर। बोले क्या कर? बोले आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। हो गया सत्संग, इतना ही तो सत्संग का फल है। अगर आराम चाहते हो जीवन में, आनंद चाहते हो, तो राम का आश्रय ले लो, आराम की शरण में तू राम राम कर। तो राम का मतलब ही है आनंद देने वाला। और श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम शब्द की सुंदर व्याख्या की। जो आनंद सिंधु सुख रासी, जो आनंद सिंधु सुख रासी, सीकर के रे तो के सुपासी, सीकर के रे तो के सुपासी, सो सुख राम का अर्थ क्या है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक के सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं और उस आनंद सिंधु के एक सीकर से, एक बिंदु से जो त्रिलोकी को आनंदित करते हैं, सो सुख धाम राम अस नामा, ऐसे सुख के जो धाम हैं उनका नाम राम है। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः, इनका नाम राम होगा। और इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है। संकर्षण का मतलब क्या है? बोले संकर्षण का मतलब कर्षण करने वाला। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, ये रोहिणी का बेटा जो है इसका नाम संकर्षण होगा, क्योंकि ये पहले देवकी के गर्भ में था और योग माया ने उस देवकी के गर्भ का कर्षण किया और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। और इसके बाद यशोदा नंदन को गोद में लेकर के श्री गर्ग जी महाराज कहते हैं, हे नंद बाबा, ये आपका जो छोरा है ना, ये तो बड़ा अद्भुत है। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृण्वतो नुयुगम तनूः, शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। ये आपका छोरा जो है ये बड़ा अद्भुत है, ये हर युगों में प्रकट होता है। गर्ग जी ने कह दिया कि ये हर युगों में प्रकट होता है।
और भगवान ने भी कहा है ना, संभवामी जुगे जुगे, हर युग में मैं प्रकट होता हूं। गर्ग जी तपस्वी हैं, योगी हैं, भगवान की लीला को जान रहे हैं, इसलिए गर्ग जी ने कहा कि ये आपका छोरा तो हर युगों में प्रकट होता है। गृह्णतोनु युगम तनूह, और सतयुग में ये शुक्ल वर्ण होता है, शुक्लो, और त्रेता में बोले रक्त, और द्वापर युग में बोले तथा पीत, द्वापर युग में ये पीत वर्ण होता है, और कलयुग में बोले इदानीं कृष्णताम गतः, और कलयुग आने पर ये कृष्ण रूप होता है। अब इसकी व्याख्या बड़ी अद्भुत है, शुक्ल रक्त पीत कृष्ण, ये भगवान के चार रंग क्यों बताए। सतयुग में भगवान शुक्ल वर्ण है, शुक्ल वर्ण का मतलब कि भगवान योग और समाधि के द्वारा ही अनुभव का विषय बनते हैं, क्योंकि सतयुग में लोगों का मन इतना निर्मल होता है, कामनाएं हृदय में होती नहीं, सहज भाव से लोगों को समाधि लग जाती और अपने समाधि में लोग ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर लेते, अपने चित्त में हृदय में योग हृदयान गम्यम, योगियों के हृदय में वो गम्य हो जाते, योगियों के हृदय में प्रकट हो जाते, इसलिए सतयुग में भगवान शुक्ल वर्ण कहलाते। त्रेता युग आते आते मनुष्यों के अंदर कामनाएं उत्पन्न हो जाती और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ कर्म का विधान प्रारंभ होता है। सतयुग में लोग वेद का अनुसंधान करते हुए परमात्म चिंतन करते हैं, यज्ञ यागादि कर्मों में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि निष्काम जीवन होता है, और त्रेता युग आते आते कामनाएं प्रबल हो जाती, तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ का विधान प्रारंभ होता है और यज्ञ रूप भगवान होते हैं। यज्ञ रूप में ही लोग भगवान की अर्चना और पूजन आराधन करते हैं, और यज्ञ नारायण भगवान रक्त वर्ण हैं, इसलिए त्रेता में भगवान का वर्ण रक्त वर्ण कहा गया, शुक्लो रक्तः, और द्वापर युग आने पर भगवान पीत वर्ण होते हैं। क्यों? बोले द्वापर युग में कामनाएं और प्रबल हो जाती हैं और व्यक्ति आलसी और प्रमादी हो जाता है, कर्म की निष्ठा भी घटने लगती है। त्रेता युग में जो कर्म की निष्ठा होती है, बड़े बड़े यज्ञ यागादि कर्मों में व्यक्ति प्रवृत्त होता है, लेकिन द्वापर आते आते व्यक्ति उन कर्मों से धीरे धीरे विरत होने लगता है, कर्म की निष्ठा कम हो जाती, कर्म नहीं करना चाहता और कामनाएं बहुत करता है। ऐसी स्थिति में पौराणिक विधान प्रारंभ होता है, वेदों की ही व्याख्या पुराण के रूप में वेदव्यास जी प्रस्तुत करते हैं, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपुरुंधयेत, वेदों का ही विस्तार पुराण के रूप में महाभारत के रूप में वेदव्यास जी करते हैं कि अब वेदों को लोग पढ़ करके समझ नहीं पा रहे हैं, वेदों के अनुसार यज्ञ यागादि कर्मों को करने में भी असमर्थ हो रहे हैं, तो इनको भगवान का अनुभव कैसे हो, तत्व का बोध कैसे हो, तो अनेक कथाओं के माध्यम से भगवान की लीलाओं का वर्णन करके भगवत तत्वबोध जीव को प्राप्त होता है और भगवान लीला पुरुष बन जाते हैं, इसलिए द्वापर युग में भगवान पीत वर्ण कहलाते हैं। शुक्लो रक्तस तथा पीत, और कलयुग आते आते ये स्थिति होती है कि मन भी दूषित हो जाता है, वैदिक कर्मों की निष्ठा समाप्त हो जाती है, वैदिक कर्म करने का अधिकार भी खत्म हो जाता है। आज कोई वैदिक कर्म करना भी चाहे तो वैदिक कर्मों को करने के अधिकारी नहीं है लोग। क्यों? बोले वैदिक कर्मों को करने का अधिकार उसी को है कि जो व्यक्ति शुद्ध आचरण वाला हो और अपने वर्ण के अनुकूल अपने धर्म का पालन करता हो, यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन किया हो, तीनों काल संध्या वंदन करता हो, आहार विचार आहार उसका शुद्ध हो, और विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते समय अपने वैवाहिक अग्नि को
विवाह की उस पवित्र अग्नि को, जिस अग्नि में विवाह संपन्न होता है, भांवर देते हैं, अग्नि की परिक्रमा करते हैं, उस अग्नि को सुरक्षित रखकर अपने घर में सायंकाल प्रातःकाल पति पत्नी दोनों बैठकर दंपति उस अग्नि में यजन करते हों, जिसके घर में वो पवित्र अग्नि सुरक्षित हो, वही व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी है।